तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय मोबाइल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iPhone 8 वर्सेस iPhone SE 2020। तो आपको कौन सा फ़ोन दोनों में से खरीदना चाहिए, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस है, वो इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करो, बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, दोनों फ़ोन मेरे हाथ में ही आप देख सकते हैं। तो ये आईफोन 8 है जो ये लॉन्च हुआ था 2017 में, और ये iPhone SE 2020 है, ये लॉन्च हुआ था 2020 में, 2020 में ये लॉन्च हुआ था। तो दोनों फ़ोन आप देख सकते हैं लॉन्चिंग में ही बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर इसके अंदर हम प्रोसेसर की बात करें, तो जो हमारा आईफोन 8 आता है इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो होता है A11 का प्रोसेसर होता है, जो आईफोन X में भी आता है। तो उसी में अगर हम बात करें तो iPhone SE 2020 में, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो इनका A13 होता है, A30 होता है इसके अंदर, और इसके अंदर 11 होता है। तो ये डिफरेंस सबसे महत्व है जो इनके प्रोसेसर और गेमिंग वगैरह इन सब में काम आता है। दोस्तों बात करते हैं वेरिएंट की, तो जो आईफोन 8 है वो आता है आपका 64 GB, 256 GB आता है, और जो iPhone SE 2020 ये भी 64 GB और 256 GB में आता है। बट इनमें जो डिफरेंस है वो इन दोनों का डिफरेंस में रैम में है। जो आईफोन 8 आता है उसकी जो रैम होती है वो 2 GB होती है, और iPhone SE 2020 है जो इसका जो रैम होता है ये 3 GB रैम के साथ आता है। तो दोनों में डिफरेंस तो यही है। बाकी अगर इंटरनल मेमोरी की बात करें तो दोनों में सेम ही होती है, 64 GB, 256 GB, दो ही वेरियंट आते हैं। बट रैम में फ़र्क आ जाता है इन दोनों में, कि एक में आता है 2 GB, आईफोन 8 में 2 GB रैम आता है, और SE 2020 में आपको 3 GB रैम मिलता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो iPhone SE 2020 होता है ये आपको डबल सिम के अंदर मिलता है, एक ई सिम लगता है, एक फिजिकल सिम लगता है, और आईफोन 8 जो आता है वो सिंगल सिम के साथ आता है जिसमें ओनली सिंगल सिम लगता है। तो ये भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और दोनों के प्राइसिंग में डिफरेंस नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ आपको आज के डेट में मार्केट में क्या प्राइस मिल जाता है और कहाँ से आप ले सकते हैं। तो सेकंड अगर हम बात करें तो हम कैमरे की अगर हम बात करते हैं, तो आईफोन 8 में जो कैमरा होता है नॉर्मल कैमरा आता है, जो मतलब अच्छा कैमरा है, बहुत ही अच्छा कैमरा है, ऐसा नहीं है कैमरा खराब है। बट वहीं अगर हम देखें तो iPhone SE 2020 में ये आपको पोर्ट्रेट मोड भी देता है, जो कि आईफोन 8 में आपको नहीं मिलेगा। आपको 8 प्लस से मिल जाएगा बट आईफोन 8 में आपको नहीं मिलेगा, iPhone SE 2020 में आपको पोर्ट्रेट मोड का कैमरा मिलेगा वही, जो कि बहुत अच्छा कैमरा है। ये कैमरे में तो डिफरेंस है दोनों में, तो इस चीज़ को तो हम मानना। दोस्तों अगर बात करें अगर हम डिस्प्ले की, तो दोनों फ़ोन में सेम क्वालिटी की डिस्प्ले आती है। जैसे कि अगर हम बात करें आईफोन 8 या iPhone SE 2020, दोनों में डिस्प्ले बिल्कुल सेम ही आती है। आप डिस्प्ले में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल आपको फ्रंट से भी देखोगे सेम लगता है, बैक पैनल से भी सेम ही लगते हैं दोनों फ़ोन, तो ऐसा तो फ़र्क नहीं है। पर भी अगर आज की डेट में अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि यार आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको iPhone SE 2020 लेना चाहिए। अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में लेने जाते हैं तो इसका जो प्राइस होने वाला है वो प्राइस, आप अगर आप 8 लेने जाते हो तो 8 का आज की डेट में प्राइस मेरे ख्याल से 12 से 13 हज़ार में आपको कहीं भी मिल जाएगा iPhone 8। और नेक्स्ट अगर वही हम बात करें iPhone SE 2020, तो ये आपको मिल जाएगा 13 से 15 हज़ार रुपये के बीच में। तो यार 2 हज़ार का डिफरेंस है, लेकिन 2 हज़ार में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला जो फ़ोन है वो iPhone SE 2020 है। तो इन दोनों में अगर आपको कभी भी सजेशन करना हो तो iPhone SE 2020 ही ले, बिल्कुल बेस्ट फ़ोन है। फास्ट चार्जिंग मिलेगी, पोर्ट्रेट मोड वाला कैमरा भी आपको इसके अंदर मिलेगा, और सबसे प्लस डुअल सिम का भी इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, सपोर्ट बनाए रखें। गिवे की वीडियो भी चल रही है, उसमें भी आप जाके चेक करें उस वीडियो को। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।